कहने को सरकारी अस्पताल लेकिन महंगा है इलाज। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सरकारी अस्पतालों में निजी इलाज मुआवजे और टेस्टों की फीसों में इजाफा कर दिया। एंजियोग्राफी 25,000 से 45,000, हार्ट सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए होना जरूरी। कंसल्टेंट की फीस 2,000 रुपए फी विजिट होगी। क्रिकेट दीवानों को धचका पीएसएल का मेला। लाहौर में सजने से पहले ही वीरान। मैचेस कराची मुंतकिल। चेहरे कायद मुंतकिल किए गए मैचेस का शेड्यूल भी तब्दील। कजाफी स्टेडियम में 9, 10 और 12 मार्च को मैदान लगना था। मुश्किल फैसला था लेकिन तमाम फ्रेंचाइजेस की मुशावरत से किया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी। पीएसएल का मेला और बहार के मजे। जिला इंतजामिया की भी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। इंतजामिया ने शहरे गुल को जगमगाने, फूलों और सजावटी अशिया से आरास्ता करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। 500 से लेकर 8,000 फी मैच, 30,000 टिकटों की फरोख्त। क्रिकेट दीवानों ने हाथों हाथ खरीदी टिकटें। चौके छक्के देखने से तो गए, अब है पैसों की वापसी का सवाल। शायकीने क्रिकेट में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। जमात इस्लामी का तहफ्फुज़े पाकिस्तान मार्च। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम समेत कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाक फौज से इजहार यकजहती। भारत अमन की बात को कमजोरी ना समझे। जंग मुसल्लत की गई तो शिकस्त भारत का मुकद्दर होगी। लियाकत बलोच। जारियत के जवाब में अम की बात। कौम का हर छोटा बड़ा पाक फौज के साथ। लिबर्टी में बाइकर क्लब की रैली। पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारतीय जारियत और जंगी जुनून। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बरतानवी और यूरोपी अरकान पार्लियामेंट को खत। पाकिस्तान ने अम का पैगाम दिया। मोदी जंगी जुनून पैदा कर रहा है। जंग हुई तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा। बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट अम के कयाम और भारत के जंगी जुनून के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। गवर्नर पंजाब। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ की परेशानियों का जिम्मेदार परवेज रशीद और मरियम नवाज को करार दिया है। बोले, इन दोनों के मशवरों पर अमल करके ही नवाज शरीफ इस हाल को पहुंचे हैं। हम सारा एयरपोर्ट चेक करके आ गए हैं, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ना कोई ऑफिस खुला हुआ है तो ना हमें किसी ने इन्फॉर्म किया है। प्लेन वो कह रहे हैं यहाँ पे अभी कोई है नहीं। सुबह 6 बजे से न्यूज़ चल रही थी कि यानी कि अब शुरू कर दिया ऑपरेशनल, क्या के बुला लिया गया अपना अमला। यहाँ पे कुछ भी ना अमला है, ना कोई जहाज है, कुछ भी नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, फिर रहे हैं, पूछ रहे हैं। हमारी फ्लाइट थी 27 फरवरी की, जो कि डिले हो चुकी है, आपको पता है, क्राइसिस की वजह से। अभी उन्होंने आज ये कहा कि सबसे पहले तो अपनी टिकट जो है ना उसको रिकन्फर्म करें, उसके बाद जो है ना कल से फ्लाइट से जो है ना वो फ्लाई करेंगी। आज जस्ट एयरपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑन किया गया। फजाई ऑपरेशन बहाल। लाहौर एयरपोर्ट पर पहली परवाज 4:45 बजे लैंड करेगी। 4 रोज बाद फजाई ऑपरेशन बहाल होने पर मुल्की और गैर मुल्की परवाजों के मुसाफिरों का रश। ऑपरेशन बहाल होने पर खुश लेकिन ताखीर का गिला भी किया। PIA का अमला एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों को रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान PIA। डर ना खौफ ना ही कोई झिझक। कब्जा माफिया हो गया बेलगाम। जल्लो मोड़ के इलाके में मुबैना कब्जा माफिया का शहरी पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद। मुलजमान ने डंडे मारकर तनवीर को जख्मी कर दिया। गुस्सा कम न हुआ तो फायरिंग भी कर दी। शहरी शदीद जख्मी। पुलिस ने 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तशद्दुद की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। आवाम महंगाई के घेरे में। सब्जी सस्ती है न फल, मुर्गी के गोश्त को भी लग गए पर। सस्ते बाजार हों या आम बाजार, हर शय को लगी है आग। टमाटर ने पहले सेंचुरी मारी, अब कीमत और भी भारी। 120 रुपये रेट पर भी नायाब। लहसुन अदरक 166 रुपये फी किलो से कम नहीं मिल रहा। चिकन की कीमत में मजीद 3 रुपये इजाफा। रेट 232 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। मुशीर वजीर आला अकरम चौधरी का शादमान इतवार बाजार का दौरा। सब्जियों और फलों का मयार चेक किया। बाजार इंतजामिया की जानिब से फराहम किए गए कार्ड अवेजा न करने पर मुतअद्दिद के स्टॉल्स उठवाने की हिदायत।
चेहरे गुल की सड़कें कूड़ा कूड़ा, 5,500 टन कूड़ा भी सड़कों पर, 300 पॉइंट्स पर पड़ा कूड़ा ठिकाने ना लगाया जा सका। सेक्रेटरी बल्दियात का डीसी के हमराह लखुटेर लैंडफिल साइट का दौरा, 8,000 वर्कर्स की छुट्टी मंसूख, कल तक शहर को जीरो वेस्ट किया जाए, सेक्रेटरी बल्दियात की हिदायत। डीसी सालिया सईद और वेस्ट कंपनी के MD भी सड़कों पर निकल आए, शहर के कई इलाकों में सफाई सूरत हाल का जायजा लिया, सफाई ऑपरेशन जारी है, कल तक कूड़ा ठिकाने लग जाएगा डीसी। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और सियासी अमूर पर मुशावरत करेंगे। आसिफ जरदारी साबिक चेयरमैन PCB जका अशरफ की साहबजादी की शादी में भी शरीक होंगे। कायदे आजम ग्रामर स्कूल क्रीम ब्लॉक की सालाना तकरीब तकसीमें इनामात, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल में, मियां असलम इकबाल की पोजीशन होल्डर तलबा को मुबारकबाद। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले को 10 बरस बीत गए, 2009 में दहशतगर्दों ने लिबर्टी कॉल चक्कर पर लंकन टीम पर हमला किया, पुलिस के 5 जवानों ने जान देकर खिलाड़ियों की जान बचाई, वार्डन भी शहीद हुआ। SP ट्रैफिक सरदार आसिफ खान की शहीद वार्डन तनवीर इकबाल की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए फिर ओपन, शहरियों की सैरो तफरी, सब्ज लॉन में सेल्फियों का भी दौर हुआ। छुट्टी के रोज ठंडे ठंडे मौसम में बच्चा पार्टी का मूड भी हैपी हैपी। और पाकिस्तान डर्बी रेस 2019, कैलिफोर्निया ने जीत ली जजिशन का दूसरा, गोल्गी क्वीन का तीसरा नंबर, 7 लाख की इनामी रकम फाते जॉकी के नाम।